वाइफ के मैथिली कल्चर जो कि मणिपुर के एक ट्राइब का कल्चर है उनके, हमें भी नहीं बताता हम, क्योंकि मणिपुर में हालात ठीक नहीं थे तो हम बाराती 10-12 ही गए थे और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। थोड़ी बहुत मेरी वाइफ ने मुझे मणिपुरी शादियां दिखाने की कोशिश की थी पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि मैं बहुत बिजी था। पर वहां जाके मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, मेरे दोस्त, हम सब लोग एक तो बहुत ही ऑनर्ड फील किया। उन्होंने हमारा बहुत अच्छा सत्कार किया, बहुत वेलकम, बहुत ही कल्चर लगे। हमें तो वहां जाके लगा कि यार हमारे तो कल्चर ही नहीं है। वैसे भी हरियाणा का कल्चर एग्रीकल्चर ही होता है। वहां जाके कल्चर थोड़ा समझ में आया और उनकी सेरेमनी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। पहली बात तो मैं वहां जा रहा, जब हम पहुंचे तो हमने उनके घर में लंच किया तो सब लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न नॉन वेज ये वो, वहां पे टोटली वैष्णव खाना था। तो मेरे दोस्त एक दूसरे को देखने लगे, यार तू कहाँ ले आया तू? तो फिर हमने जब खाना खाया तो सब उंगलियां चाटते रह गए। उसके बाद वो लोग हमसे ज्यादा धार्मिक भी है। हमारा पहला पड़ाव एक इबेदो मार्जिन, उनके गॉड होते हैं जो कि हॉर्स गॉड होते हैं, और मैं बचपन से घोड़ों में रहा हूँ। और यहाँ पे मैं मणिपुर पहुंचने के बाद एक हाथ में पोलो स्टिक और बॉल और एक हाथ में अरब मारता हुआ घोड़ा लेके इतने लंबी सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जा रहा हूँ। मगर यार ये तो होना ही था मेरी लाइफ में मुझे लगता है। और उनकी सेरेमनी भी बहुत अनोखी होती है। वो फायर यूज नहीं करते हैं, तुलसी यूज करते हैं, और जो ब्राइड होती है वो फेरे लेती है, और आप जो ग्रूम होता है वो बुद्ध की तरह ऐसे बैठना होता है, ना ऐसे हिल सकते हैं, ना हंस सकते हैं, ना कुछ और। बोले जितना तुम स्टिल बैठोगे उतने अच्छी मैत्रेयी ग्रूम बनोगे। तो मैं यार ये तो जाटों की इज्जत पे बात आ गई, मैंने तो पलक भी नहीं झपकी। और हमारे साथ ही एक एक आदमी रहता है जो कि आपका ग्रूमर होता है, तो सारे टाइम आपको बताता रहता है ऐसे बैठो, ऐसे करो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना, यू आर गॉड ऑन दैट डे। कोई खुजली भी हो तो उसको बताना पड़ता है, यार नाक में खुजली हो रही है, वो इधर करेगा, नहीं राइट 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 नोज में हो रही है। और आपकी माँ को आपके आगे बैठाते हैं सामने मंडप के बाहर, तो मेरी माँ हंस भी रही थी, रो भी रही थी। मैं कहा अपनी किस्मत को हंस रो रही है या खुशी में हंस रो रही है? पर बहुत ही अच्छा रहा वहां पे। एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो हमारी तस्वीरें और मणिपुर का इतना ब्यूटीफुल कल्चर जो कि हमारी मेन स्ट्रीम में नहीं है वो लोगों तक पहुंचा। और हम दोनों इस बात को बहुत अपने आप को खुश नसीब मानते हैं कि हमारे को इतना स्नेह और आशीर्वाद मिला।